Dear friends, assalamu alaikum. Today our topic is capacitance of a parallel plate capacitor. हमने पिछले टॉपिक में कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था. कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज. आज हम देख रहे हैं कि उसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है. कंसिडर करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को. ए उसका एरिया होगा, डी उसका डिस्टेंस है दो प्लेट्स के दरमियान में, क्यू इज़ द चार्ज है जो हर प्लेट के ऊपर स्टोर होता है, और वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स, ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, और ई की डायरेक्शन आपको पता क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स. सबसे पहले देखेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होगी जब एयर या वैक्यूम होगी बिटवीन द प्लेट्स. दो प्लेट्स के दरमियान में जब एयर या वैक्यूम होगी तो उसकी कैपेसिटेंस कैपेसिटर की क्या होगी. अब जो है सी वैक्यूम इज इक्वल टू क्यू बाई वी, हमें रिलेशन मालूम है सी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई वी. हमें यह भी मालूम है ई इज इक्वल टू वी बाई डी, यहाँ से निकाले वी इज इक्वल टू ई इंटू डी. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज गिवन बाई ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. अब ई की वैल्यू जो है पुट करेंगे V इज इक्वेशन नंबर टू में, V इज इक्वल टू ई डी में, V इज इक्वल टू ई की जगह हम लिखेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन हो जाएगी. अब सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट्स इज गिवन बाय सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, और Q की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए. अब यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर ये फाइव है और ये इक्वेशन नंबर फोर है, इनकी वैल्यूज जो है इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे. अब C वैक्यूम इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू की जगह लिखेंगे सिग्मा ए और V की जगह लिखेंगे हम जो है सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिग्मा सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, तो हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी आ गया. ये उसकी वैल्यू है कैपेसिटेंस की व्हेन एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स विद डायलैक्ट्रिक एज अ मीडियम. जब दो प्लेट्स के दरमियान हम डायलैक्ट्रिक को मीडियम के तौर पर यूज़ करेंगे तो जो है तब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं. इफ़ एन इंसुलेटिंग मटीरियल कॉल्ड डायलैक्ट्रिक या रिलेटिव ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज प्लेस बिटवीन द टू प्लेट्स देन कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर. उसको हम डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहेंगे. अब सी मीडियम इक्वेशन हम जो पिछली सी हमारी कैपेसिटेंस वाली वो बन जाएगी सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी. हाउ कैपेसिटेंस इंक्रीजेस विद द डायलैक्ट्रिक. अब यहाँ पे कंसिडर करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जब प्लेट्स कनेक्टेड हैं टू द वोल्ट मीटर. देखिए यहाँ फिगर दिखाई हुई है, दो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके दोनों प्लेट्स जो हैं ये वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड हैं. वोल्ट मीटर जो है मेजर कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. जब इंसुलेटिंग मटीरियल इनके दरमियान में प्लेस किया जाएगा दो प्लेट्स के दरमियान में तो जो है रीडिंग जो है वो ड्रॉप कर जाएगी. देखिए यहाँ पे ये वैक्यूम है, एयर है, कोई भी मीडियम हमने यहाँ प्लेस नहीं किया हुआ, तो जो वोल्ट मीटर है वो ये रीडिंग शो कर रहा है. जब हम यहाँ पे दो प्लेट्स के दरमियान में डायलैक्ट्रिक को एज अ मीडियम यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू ड्रॉप होके पिछले पीछे आ जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू डिक्रीज कर गई है. यानी कि हमें मालूम है ये जो रिलेशन है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, वी डिक्रीजेज वाइल क्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सो इन सी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है क्यू और सी का. तो जो जो है जब डायरेक्ट्रिक हम प्लेस करते हैं दो प्लेट्स के दरमियान में तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कर गया. पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज करने से जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में इन्वर्स रिलेशन है. और हम देखेंगे डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है. द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डायलैक्ट्रिक टू इट्स कैपेसिटेंस विद वैक्यूम और एयर एज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स. तो एप्सिलॉन आर लिखेंगे इज इक्वल टू ये रेशियो है कैपेसिटेंस में जब यहाँ पे मीडियम यूज करेंगे दो प्लेट्स के दरमियान में टू द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स. इनकी इसको रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन आर के साथ और ये इक्वल है सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम. नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक्स. जब एक डायलैक्ट्रिक मटीरियल को हम प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं एटम्स के वो क्या होंगे कि डायलैक्ट्रिक जो है डायलैक्ट्रिक के जो एटम्स होंगे वो स्लाइटली
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। इस फिनोमिना को हम पोलराइजेशन कहते हैं और डायलैक्ट्रिक को हम कहेंगे पोलराइज्ड। अब जिस तरह डायलैक्ट्रिक जो है हमें मालूम है कंसिस्ट होता है कि इस पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि एटम में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन चार्जेस के इन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज सच दैट द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉन्साइड्स विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इफ अ डायलैक्ट्रिक मटीरियल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, नेगेटिव चार्जेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड पॉजिटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई जो हैं वो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो हैं नो लॉन्गर कॉन्साइड्स विद ईच अदर, सो वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल शोज नेगेटिव चार्ज एंड अदर एंड शोज एन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हेंस अ डाइपोल इज फॉर्म्ड, द मॉलिक्यूल इज सेट टू बी पोलराइज्ड एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब देखिए फिगर में देखें, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसके ऊपर देखें जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे वो अट्रैक्ट हुए टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज और जो है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ आ गए और जो पॉजिटिव चार्ज थे वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। देखें यहाँ पे आपस में थोड़े से डिस्प्लेस हो गए हैं, ये कॉन्साइड एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं और जो है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ गए हैं और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ चले गए हैं, ये पोलराइज हो गए हैं। इस फिनोमेना को हम पोलराइजेशन कहेंगे। अब हम देखेंगे व्हाट इज डाइपोल, डाइपोल क्या होता है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस मेक अ डाइपोल, यानी कि दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं उनके दरमियान में स्मॉल डिस्टेंस है तो ये मिलकर आपस में डाइपोल बनाएंगे। अब इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन देखेंगे ऑन कैपेसिटेंस, जब डायलैक्ट्रिक को प्लेस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक। अब आप देखेंगे इसकी रीजन क्या है कि डायलैक्ट्रिक मटीरियल जो है इफेक्टिवली जो है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज होगी बिटवीन द प्लेट्स और डिक्रीजेस विद द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो है V इज इक्वल टू ई डी बिटवीन द प्लेट्स वो भी डिक्रीज होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज हुई है। इस रिलेशन से हम देखें V इज इक्वल टू ई डी, ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, जब इनके अगर पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जब डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा हमें मालूम है कि कैपेसिटेंस और जो है पोटेंशियल डिफरेंस में इनवर्स रिलेशन है, जब जो है ये डिक्रीज होगा पोटेंशियल डिफरेंस तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब इस रिलेशन की वजह से जो है हम देखते हैं कि जो है पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होने की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्यों ड्रॉप हुआ कि हमने जो है डायलैक्ट्रिक यूज़ हुआ, डायलैक्ट्रिक यूज़ करने की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हुई जिसकी वजह से कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर की इंक्रीज कर जाएगी। क्योंकि इसका एंड रिजल्ट क्या है कि डायलैक्ट्रिक यूज़ करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है। दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।